एवरीवन, तो चलो आज आपको शहर की इस भागदौड़ भरी जिंदगी से थोड़ा ब्रेक दिलाने लेके चलती हूँ गांव के देसी और सुकून भरे माहौल में। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ माधवगढ़ फार्म की। हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो आज हम जा रहे हैं माधवगढ़ फार्म, जो कि यहाँ गुड़गांव में टिकली विलेज में है। और वैसे तो बहुत सारे फार्म है, लेकिन हम इसी में क्यों जा रहे हैं, इसके पीछे दो रीजन है। पहला रीजन, इसका नाम मुझे बहुत पसंद आया, माधवगढ़। और दूसरा रीजन, इसकी जो टिकट थी वो हमें थोड़े डिस्काउंट पे मिली है, वो आपको पता चल जाएगा आगे वीडियो में। तो अभी मिलते हैं जाके माधवगढ़ फार्म में। और हम गए थे अपने पर्सनल व्हीकल से, और यहाँ पार्किंग के लिए काफ़ी स्पेस अवेलेबल था। तो ये है माधवगढ़ की एंट्री। सबसे पहले टिकट काउंटर था, तो टिकट तो हमारे पास पहले से अवेलेबल थी ही, लेकिन हाथ में ये बैंड बंधवाना ज़रूरी था। टिकट काउंटर पे हम सबके हाथ में ये माधवगढ़ का ये बांध दिया, ताकि अंदर हमें पता रहे कि हम टिकट लेके आए हैं, ऐसे ही नहीं घुसे हैं। यहाँ पे टिकट एडल्ट की 1250 रुपये, बच्चों की 650 रुपये है, और 3 फीट तक की जिनकी हाइट है बच्चों की, वो फ्री है यहाँ पे। लेकिन हमें टिकट पड़ी है, जो वो पड़ी है 700 रुपये की, और वो कैसे पड़ी है वो आपको वीडियो में पता चल जाएगा आगे। तो हम एंट्री करके और अंदर आ गए हैं, और अंदर से इसका व्यू कुछ ऐसा है, सुंदर एंट्री है। सबसे पहले हमारा तिलक हुआ, और फिर हमने दो ठुमके लगा के एंट्री की। और ये देखो, दूध पिलाने के लिए रही। इतने सुंदर हाथ से पेंटिंग कर रखी है सामने दीवार पे, वाओ। और ये देखो, इनको इतनी गर्मी लगी थी कि ये जाते ही कूलर के सामने खड़े हो गए। सही है। उसके बाद नजर पड़ी खाने की जगह पे, और जहाँ पे भी ब्रेकफास्ट चालू था, लेकिन तभी दिखा, अरे यार, वेलकम ड्रिंक तो अभी दी, जिसमें कि 3 ऑप्शंस थे। मौजी हो गई, नींबू पानी, छाछ, चाय, जो मर्जी वो लो। तो हमने नींबू पानी लिया, और जिसका टेस्ट अच्छा था। तो वेलकम ड्रिंक लेके, और अब हम सबसे पहले जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने। देखो, मैं अभी आपको दिखाती हूँ इन्होंने ब्रेकफास्ट में क्या क्या दिया है। तो सबसे पहले हमें अचार दिखा, हमने रख लिया। आलू की सब्जी, वाओ, दिखने में तो मस्त लग रही है, डाल लो। ये है पेठे की सब्जी, हो हाँ, मूंग दाल हलवा। यहाँ पे है पूरी, ये है दही, और यहाँ पे ब्रेड है। यार, ब्रेकफास्ट बहुत टेस्टी था, और हमने दबा के खा लिया। अब ज़्यादा घूमने की हिम्मत नहीं थी, सामने डीजे बज रहा था, मुड्डी पे बैठे और सबका डांस देखने लगे। काफ़ी सारे टारगेट गेम्स के ऑप्शंस भी थे, जहां सबने एक एक करके अपनी निशानेबाजी दिखाई। फर्स्ट टाइम में तो किसी का कुछ नहीं हुआ, लेकिन हाँ, 2-3 बार ट्राई करके सबको सफलता मिल ही गई, और सब खुश हो गए। उसके बाद आगे देखा तो लोग स्विमिंग पूल में विद म्यूजिक इंजॉय कर रहे थे। खुशी होने की जगह मुझे तो दुख हुआ, और वो क्यों, क्योंकि मैं अपने कपड़े नहीं लाई थी चेंज करने के लिए। जैसे तैसे मैंने इनके कपड़ों से ही अपना जुगाड़ बैठा ही लिया, और फिर खूब इंजॉय किया। और बीच में मुझे ये क्या देखने को मिल गया, इनका डांस, जो कि बहुत रेयर केस है भाई। स्कूल में कैसे 2-3 घंटे बीत गए पता ही नहीं चला। फिर याद आया कि लंच टाइम हो गया, तो फिर हम लंच करने चले गए। खाने के ऑप्शंस देख के मुंह में पानी आ गया, और सारी चीज बहुत टेस्टी थी। पनीर में ग्रेवी कम और पनीर भरपूर मात्रा में था, खीर थोड़ी मीठी थी, बाकी सब में मजा आ गया।
अब दोबारा से पेट पूजा करके हम चले आए इन ऑप्शंस की तरफ, जिनमें काफ़ी राइड्स इंक्लूड थी। यहाँ पे बुलक कार्ट राइड का ऑप्शंस भी था, तो इस पे अभी स्कूल के बच्चे इंजॉय कर रहे थे, तो हमने सोचा कि इसको बाद में करते हैं, पहले कैमल राइड कर ली जाए। तो चलो मैं इस राइड का एक चक्कर लेके आती हूँ, इतने आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बारी आई इस ट्रैक्टर राइड की, हम तो सब बैठ लिए, लेकिन गुल्लू बोला अरे चलो चलो मैं तो चलते में चढ़ूंगा। चल दे चल दे, ये अनाड़ी है। इधर आके देखा तो इन दोनों में खूंखार लड़ाई मची हुई थी, ये नहीं पता भाई किस बात पे लड़ रहे थे। मैं इस घोड़े को भूख लगी थी, इसलिए मैंने तो दूर से ही टाटा बाय बाय कर दिया। दूसरी तरफ यहाँ हेड मसाज का भी ऑप्शन था, जिसका इन दोनों भाइयों ने पूरा आनंद उठाया, और अब इनके तो दिन भर की थकान दूर हो गई थी, क्योंकि हेड मसाज जो हो गई। थोड़ा आगे गए तो देखा जादूगर भैया अपना जलवा दिखा रहे थे, तो ये लो पेश है आपके लिए HD क्वालिटी में जादू की कुछ झलके। और हाँ, इसको देखकर मुझे चोर मत समझना यार, मैं चोर नहीं हूँ। मैम आप इधर आइए, आपको एक जादू सिखाते हैं, आ जाइए। देखो मैम के साथ में एक छोटा सा मैजिक दिखाते हैं। ओके बैठिए मैम, यहाँ पे ऐसे हैंड करिए, देखिए मैम ये कॉइन है, इसमें फूंक लगाइए। कितना कॉइन है मैम ये? ये कॉइन है, डबल तो नहीं है, देख लो चेक करके, कभी डबल कॉइन हो चुका हो, सिंगल है ना, दे दीजिए मैम इधर। हाँ ऐसे पकड़ के बना देते हैं। ओके 1 2 3 मोर राइट, मट्टी लगाएंगे, तोड़ के दो कॉइन बना देंगे। ओके दो कॉइन है मैम, हम आपको दे देते हैं, ऐसे हैंड करिए मैम, दो कॉइन है, इसमें फूंक लगाइए, फूंक लगाइए। देखिए मैम कितना कॉइन है ये? दो कॉइन है, ज़्यादा तो नहीं है ना, यहाँ पर रख दीजिए मैम। देखिए मालिक साहब, वो कितना कॉइन है? दो कॉइन है, एक मंत्र ऐसा लगाएंगे ज़्यादा बन जाएंगे। ओके जयपुर जाओ, ज़्यादा कॉइन लेके आओ। हाँ फूंक लगाइए मैम, इसमें जोर से लगाइए, थूक मत देना मैम। नहीं सर, कल एक मैम ने इतना सारा थूक दिया था, वो कल की बात है। लो फूक मारो। ओहो देखो गिनती लगाना कॉइनों की। ओके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके देखिए मैम, हम तीन कॉइन आपको दे देते हैं मैम, तीन कॉइनों में फूंक लगा के यहाँ पे छोड़ देना, सोका नोट बन जाएगा, ठीक है? कॉइन लेके मत भाग जाना मैम हमारा। ओके 1 2 3 मोर राइट, लो कॉइन पकड़ो, मुट्ठी बंद करो मैम, फूंक लगा के कॉइन छोड़ दो। देखिए साहब सोका नोट, कॉइन कहाँ है मैम? मैम मजाक मत करो, देखिए मैम सुबह सुबह का पहला मिलते कॉइन रखो मैम जल्दी, नहीं आपके पास लो कॉइन रख लिया ना मैम ने हमारा, नहीं है मैम आपके पास मैम, कॉइन आपके पास है मैम, नहीं है, हम चेक कर लें, खड़े हो जाइए मैम, हम चेक कर लेते हैं मैम। दोनों हैंड ऐसे करिए, देखिए साहब ये लटक रहे हैं मैम, थोड़ा सा ये हाथ लाना, देख लो मैम ने बचपने वाली आदत अभी तलक नहीं छोड़ी है ना मैम चिल्लर चोर। अब बारी आई बुलक कार्ट राइड की, तो देखा बैल रेस्ट कर रहा था, तो हमने सोचा कोई नहीं बैल को रेस्ट करने दो, फिर कभी कार्ट राइड कर लेंगे। लेकिन कुछ लोगों को अभी राइड करनी थी, और वो खुद ही बुलक कार्ट के ड्राइवर बन गए। तो चलो यार अब अपनी प्यारी सी नज़र इन प्यारी सी बतकों पर भी मार लेते हैं, जो कि बहुत सुंदर लग रही थी। कोई पानी पी रही थी, कोई खर्राटे मारकर अपने आराम से एक पैर पर सो रही थी, और यहाँ पर देसी फील दिलाने के लिए एक नकली कुआ भी था, जिसमें आप पानी की बाल्टी खींच के मेरी तरह फीलिंग ले सकते हो। और यहाँ पता नहीं अब मैं किस बात पर गुस्सा हुई, मुझे खुद ही नहीं पता भाई, लेकिन मेरी मम्मी ने मुझे झट से प्यार किया और मना लिया। अभी टाइम हो गया इवनिंग स्नैक्स का, और अभी हम आए हैं इवनिंग स्नैक्स लेने के लिए, दिखाती हूँ अभी क्या बन रहे हैं यार। यहाँ पे गोलगप्पे हैं, चाय है, दही भल्ले हैं, पकौड़े और फ्रेंच फ्राइज है, जलेबी है। क्या दबा रहे हो जी? स्नैक्स में दही भल्ले और बहुत टेस्टी है यार, सच में मजा आ गया मुझे तो। ब्रेकफास्ट भी, लंच भी और स्नैक्स भी, एवरीथिंग वेरी टेस्टी। बताओ भाई अपना एक्सपीरियंस कैसा है यहाँ का? माइंड ब्लोइंग भैया, और सबसे बेस्ट भी जो था पूल का। हाँ पूल में मजा आ गया ना, पूल में बहुत मजा आया। 2 घंटे और क्या अच्छा लगा यहाँ पे? खाने का अच्छा टेस्ट, खाना अच्छा, खाना भी अच्छा था, ब्रेकफास्ट भी बहुत अच्छा, बढ़िया ज़्यादा अच्छा। आप पहली बार आए हो यहाँ पे? पहली बार। फैमिली प्लेस है, अच्छी है। कहाँ से आए हो? हम लोग नोएडा से आए। नोएडा ऑफिस ट्रिप है। काफ़ी दूर से आए हैं? हाँ ऑफिस ट्रिप है। अच्छा अच्छा चलिए ठीक है, थैंक यू।
अब करने के लिए बच गई थी सिर्फ एक्टिविटीज़, जो कि लास्ट था। उससे पहले हमारी नज़र पड़ी कि बैट बॉल खाली है, कोई नहीं खेल रहा है। गुल्लू ने फटाफट से बॉलिंग करी और बॉल बिना टच हुए ही गुम हो गई। तो यार यहाँ करने के लिए काफ़ी एक्टिविटीज़ अवेलेबल थी जिनको हर कोई कर सकता था। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की एक्टिविटीज़ थी और मेरी मम्मा ने सारी एक्टिविटीज़ की, मैंने भी मम्मा के साथ साथ सारी एक्टिविटीज़ की। अब बारी थी जिपलाइन की। गया था तेरी गैल इसका वेट ज्यादा होने के कारण इसको करने नहीं दे रहे थे, रिक्वेस्ट करके फाइनली अब करने जा रहा है। लास्ट में आते आते मम्मी ने दिया भी बनाया और उसको घर लेकर आई और हमारा टाइम इतना ही था, तो अभी घर जाने का टाइम आ गया था। अभी हम अपनी फैमिली ट्रिप पूरी करके और माधवगढ़ फार्म में और अभी जा रहे हैं अपने घर और हमें काफ़ी मज़े आए। स्विमिंग पूल में भी खूब हमने इंजॉय किया और खाना खाना तो वाव। और रही बात टिकट की जो मैं स्टार्टिंग में बताने वाली थी, ये टिकट हमने DRS डील से बुक करी थी, वहाँ से आप भी कर सकते हैं। हमें ये 700 में पड़ी थी और ये लोग सेक्टर 55-56 के मेट्रो स्टेशन और द्वारका में भी प्रोवाइड करवा देते हैं। 100 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी चार्ज लेते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और वहाँ से भी आप टिकट ले सकते हैं। पर हमें सच में बहुत मज़ा आया, मैं रिकमेंड करूँगी अगर आपको मौका मिलता है एक बार ज़रूर विज़िट करें। खाना तो सच में टॉप क्लास था। मुझे लगा था यार इतने लोगों के लिए खाना बनता है कहाँ टेस्टी मिलेगा, लेकिन एक एक चीज़ का जो टेस्ट था ना बहुत मस्त था। और स्विमिंग पूल में भी बहुत मज़ा आया, हर एक एक्टिविटी काफ़ी अच्छी थी। अब हम बहुत सारा फन करके, बहुत सारा पेट पूजा करके और अभी जा रहे हैं अपने घर। इस वीडियो को यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय।